और बनारस से खबर, जहां ड्रोन से निगरानी हो रही है नमाज को लेकर, प्रशासन अलर्ट है। विश्वनाथ मंदिर के पास ड्रोन से नजर, बड़ी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं ज्ञानवापी। आज जुमे की नमाज है और नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम नमाजी, लेकिन ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन की मदद से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। देखिए ड्रोन उड़ता हुआ बनारस में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने में मददगार साबित होता हुआ ड्रोन, और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है कि आज जुमे की नमाज को लेकर कोई माहौल खराब करने का काम ना करें। उपेंद्र हमारे सहयोगी बनारस से लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बताया जा रहा है कि ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, आज जुमे की नमाज क्या शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तक किसी भी तरीके की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और लगातार आप ये देखिए जो नमाजी हैं वो जा रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से, न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है सीधे ज्ञानवापी के बाहर गेट की, जहां पर सारे नमाजी पहुंच रहे हैं। तो यहां पर न्यूज 18 है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो भी नमाजी है वो बात पूछ लेते हैं। आप लोग कोई बात करने के लिए तैयार है? बोलेंगे नो कमेंट बोल रहे हैं। और लेकिन ये जरूर है कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, लेकिन रोज की अपेक्षा जिस तरीके से जुमे की नमाज पर जो नमाजी आते हैं भीड़ आती है, लेकिन आज बेतहाशा भीड़ है। यानी कि जो अब तक जिस जो संख्या आती थी 50-100 की, लेकिन आज जो संख्या है वो हजारों पर है। पुलिस तैनात है, आप ये देखिए यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं वो तैनात हैं, और लगातार जो नमाजी हैं उनको ले जाया जा रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर पुलिस गश्त कर रही है, लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है, और जो किसी भी तरीके से शांतिपूर्वक नमाज अदा हो इसके लिए पुलिस यहाँ पर तैनात है हर जगह पर, और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, लगातार जो नमाजी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये नमाज होनी है। तो पुलिस के लिए ये 2 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण है, जिसको लेकर लगातार जो मुस्लिम इलाके हैं, खासतौर से जो दाल मंडी वाला इलाका है, वहां पर जो गश्त है वो बढ़ा दी गई है। क्या आप लोग कुछ आज नमाज पढ़ा करने जा रहे हैं? तो कुछ भी फिलहाल जो है मीडिया से बातचीत करने के लिए पूरा जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय जो नमाज पढ़ने जा रहा है, जो नमाजी जा रहे हैं, वो मीडिया से बात करने के लिए बच रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं, मगर इस तरफ दूसरी ओर से देखिए ज्ञानवापी में दर्शन, आप लोग क्या दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, दर्शन करने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई? अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक तरफ जो है ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई, तो उसका उत्साह है, जो हिंदू है वो लगातार पूजा करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 घंटे बहुत क्रूशियल है, 12:30 बस के ऊपर हो गया है और 1 बजे से नमाज शुरू होगी, और अब तक जो संख्या आती थी 100-150 तक, वो संख्या बहुत बड़ी है। आज आप ये देखिए कतार टूट नहीं रही है नमाजियों की, लगातार जो भीड़ है नमाजियों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये अप्रत्याशित भीड़ है जिसकी कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि शुक्रवार को जो नमाज होती है जुमे की, उसमें 100 से 150 लोग आते हैं, लेकिन आज ये देखिए बड़ी संख्या में नमाजी आ रहे हैं। बात कर लेते हैं भाई साहब, कुछ बोलेंगे भाई साहब, नमाज पता करने जा रहे हैं? हाँ, कुछ बोलेंगे? आज कोर्ट से वहाँ पर सुनवाई है, आप लोग को उम्मीद है कोर्ट से? हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। हमको कब बोला नहीं गया है बोलने के लिए, यानी कि आप समझ लीजिए कि निर्देश है। आज बाजार बंद भी है आप लोग की? आज चाचा बाजार बंद? नहीं मानू। तो आप ये देखिए कि लगातार जो है यहाँ पर आ रही है ड्रोन से, आप ये देखिए निगरानी रखी जा रही है। मैं सामने से ज्ञानवापी देख रहा हूँ, जहाँ पर नमाज अदा करने के लिए नमाजी अंदर दाखिल हो गए हैं, और लगातार जो फोर्स है वो अंदर यहाँ पर आपको देखिए गश्त करती हुई नजर आ रही होगी, लोगों से पूछताछ करती रही, कोई संदिग्ध है उनकी संदिग्ध से पूछताछ कर रही है फोर्स लगातार। यहाँ पर इंस्पेक्टर जगदीश कुशवाहा तैनात है, तो उनके साथ जो अगले 5 चरक की सुरक्षा व्यवस्था है पूरे ज्ञानवापी की, इस वक्त पहली जो बैरियर है वो गुदौलिया पर है, उसके बाद बांस फाटक पर है, और तीसरा उससे बाद में है। तो अगर हम मैदागिन की बात कर ले तो यहाँ पर भी इसी तरीके से 3 चक्री सुरक्षा व्यवस्था है, पहली यहाँ पर आपको दिख रही है चित्रा सिनेमा के पास, दूसरी आपको चौक थाने के पास घेरा है। तो 5 चक्री सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज नमाज अदा करने के लिए, मतलब कहाँ नमाज अदा करने जा रहे हैं? तो जी ज्ञानवापी तो जा रहे हैं। तो आप लोग ये देखिए, तो एक बोलने की एक व्यक्ति जो नमाजी था वो बोलने की कोशिश कर रहा था, दूसरे नमाजी ने उसका हाथ खींच लिया और कहा कि कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी बात को लेकर जो है वो क्रोध है। और ये देखिए यहाँ पर फिलहाल चूंकि मणिकंडिका का भी रास्ता है, ऐसे में जो मिट्टी है वो भी जा रही है, तो पुलिस दोनों तरफ से व्यवस्था कराने में इस वक्त जुटी है। और आप ये देखिए बड़ी संख्या में आज जो है नमाजी हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, तो इतनी संख्या कभी नहीं होती है, 100 से 150 लोग होते हैं नमाज के वक्त, लेकिन आज जो है
बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाज अदा करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे साथ देखिए अपर पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा खुद लगातार गश्त कर रहे हैं। आप देखिए अपर पुलिस कमिश्नर लगातार अपने फोर्स के साथ में बात कर, सर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाकचौबंद है तो आप ये देखिए कि फोर्स लगातार कई ACPs हैं, डिप्टी पुलिस कमिश्नर्स हैं और ये देखिए यहाँ पर भीड़ का आप आलम देखिए, यहीं से बैरिगेड कर दिया गया है। तो यहाँ से भीड़ को जो केवल नमाजी हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है या जो दर्शन करने वाले हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। कोशिश है कि किसी तरीके से जो 2 घंटे हैं यानी कि जो नमाज का वक्त है इसको पूरी तरीके से कर लिया जाए, शांतिपूर्वक तरीके से कर लिया जाए। पुलिस लगातार इसीलिए गश्त कर रही है। यहाँ पर आप देखिए RPF के जवान तैनात किए गए हैं यहाँ पर इसके अलावा DPSP तैनात है, तमाम सारी जो फोर्स है वो तैनात है और जो है यहाँ पर ACP भी तैनात है। तो लगातार जो फोर्स है वो तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ज्ञानव्यापी में। तो यहाँ पर इस तरीके से यहीं से जो नमाजी हैं वो अंदर जा रहे हैं। मैंने आपको नमाजी की तस्वीर दिखाई और यहाँ पर अंदर किस तरीके से देखिए DPSP हैं वो यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार गश्त कर रही हैं। क्या पांडे जी, उनके जी सभी इलाकों में आप लोगों ने चेकिंग कर ली, सभी जगह शांति है? हाँ बिल्कुल शांति है जी। तो जो मुस्लिम इलाके बंद हैं उनके लिए, उन इलाकों में भी देखा आप लोगों ने कोई किसी तरीके की जो अफवाह या किसी तरीके उसके लिए क्या ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है? ड्रोन भी मिश्रित आबादी में आप लोग ड्रोन से भी नज़र रख रहे हैं? हाँ हम लोग ड्रोन भी चला रहे हैं। हाँ। और अभी शांति व्यवस्था बिल्कुल कायम है जी, अभी कोई ऐसी सूचना नहीं। जी जी, तो इसकी जो बाजार बंद है उसके लिए क्या बात हुई आपकी धर्मगुरुओं से कोई? तो आप सुन रही थी ACP प्रज्ञा पांडे थी जो बता रही थी कि ड्रोन से हम निगरानी रख रहे हैं और जो लगातार गश्त है वो बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बड़ा मुस्लिम इलाका है, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ज्ञानव्यापी से सटा हुआ सबसे बड़ा मुस्लिम इलाका है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार है जिसे दाल मंडी कहते हैं और पूरी बाजार मैं आपको दिखा रहा हूँ बंद है। ये देखिए पूरी बाजार बंद है और सारे नमाजी इसी तरफ से अंदर आ रहे हैं। तो अब कोशिश प्रशासन की यही है, लोगों में बात भी कर लेते हैं। क्या आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? और ये देखिए मिश्रित आबादी है, यही पुलिस के लिए सबसे सेंसिटिव इलाका है क्योंकि ये घनी मुस्लिम आबादी का इलाका है, पूरी दाल मंडी की बाजार है। तो ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी इलाके में है और इसीलिए लगातार पुलिस यहाँ पर गश्त कर रही है, लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है, अफसर लगातार पर तैनात है। और ये देखिए आप जो पुलिस के बल भी हैं वो भी आप ये देखिए जैकेट पहने हुए हैं, तरीके से ड्रोन उड़ रहा है, ACP समेत खुद आपको दिखाई दे रहे होंगे, खुद ACP। सर 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, किसी तरीके से सब लोगों को संदिग्धों की तलाश हो रही है? बिल्कुल संदिग्धों की तलाश। ये देखिए आप किस तरीके से पुलिस जो है नमाजियों को बैरियर के पीछे रहे। तो यहाँ पर लगातार जो कितनी नमाज संख्या, क्या मैडम आज बड़ी संख्या में नमाजी भी आए हैं? आज तो कोई इशू नहीं है फिलहाल, अभी कंट्रोल में है व्यवस्था। और ये देखिए किसी तरीके से, और ये केवल दर्शनार्थियों को नहीं रोका जा रहा है, दर्शनार्थियों की दर्शन पूजा व्यवस्था चलती रहे, नमाज अदा होती रहे 2 घंटे कुशल काल में। सर 1 बजे से 2 बजे तक नमाज होती है, आपको सब बता दिया जाएगा, 1 से 2 बजे तक नमाज होती है। बाहर का फोर्स भी तैनात, आप लोग बाहर से? तो कोशिश आज पूरे बनारस की जो भी जितने भी थानों की पुलिस है वो यहीं पर है। आप देखिए भीड़ का आलम देखिए, इस वक्त यहाँ पर बेतहाशा भीड़ है और रोज की अपेक्षा कई गुना ज्यादा आज यहाँ पर जो नमाजी हैं वो पहुँच रहे हैं। हम बात भी उनसे करने की कोशिश करते हैं कि वो नमाज अदा कर रहे हैं। आप लोग की बाजार आज बंद है? क्यों बाजार बंद है आज? साथ में है मुफ्ती साहब के, मुफ्ती साहब आ गए, देखिए मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती साहब की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मुफ्ती साहब आ गए, मुफ्ती मोहम्मद बातिन वो भी अब अंदर चले गए हैं। तो नमाज कुछ देर में शुरू, नमाज कुछ देर में शुरू होगी। आपने देखा होगा कि जो मुफ्ती थे मोहम्मद बातिन वो अभी गए हैं। तो सारे आसपास के जिलों की फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है और कोशिश है कि अब ये देखिए पूरा जो परिसर है सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर खाली कराया गया है और कोशिश है कि किसी तरीके से जो 2 घंटे यानी कि 1 बजे से 2 बजे के बीच जो नमाज है उससे पहले जो नमाजियों के जाने और वहाँ पर से वापस लौटने का जो क्रम है वो वैसा ही रहे, कोई तरीके की अप्रिय घटना ना हो, ये कोशिश है। और आप ये देखिए लगातार जो चौक थाना है यहाँ पर, यहाँ से भी
फोर्स तैनात की गई है। और सबसे खास बात है वो इलाका जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पुलिस के लिए सबसे सेंसिटिव इलाका है ये दाल मंडी, जहाँ पर कोई आमतौर पर ये पूरी मार्केट जो है मुस्लिम आबादी की मार्केट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप क्या बाहर दर्शन करने आए? नहीं नहीं, बस दर्शन करने के लिए आए थे। अच्छा, दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए ज्ञान बापी में। जी जी, अंदर दर्शन हो गए एकदम एकदम, महादेव दर्शन। तो देखे, ये देखिए कुछ नमाजी खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? तो जो है कोई बोलने के लिए नमाजी तैयार नहीं है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ नौजवान हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमाज पता करने गए थे जी। आज मार्केट क्यों बंद है भाई साहब? हमें नहीं पता है कुछ। तो आप लोग के बाजार है ना यहाँ पे, तो आज क्यों मार्केट बंद है भाई? ये जानकारी हमें नहीं पता है। अच्छा, ये जानकारी जी जी। अच्छा, नमाज मार्केट क्यों बंद है यार? तो जो है आप ये देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो बोलने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट बंद है, क्यों बंद है ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये ऐलान हुआ था और ऐलान होने के बाद यहाँ पर जो है मार्केट बंद हुई है। आपने देखा कुछ देर पहले जो मुफ्ती हैं वो यहाँ पर अंदर गए हैं, और मुफ्ती के जाने के बाद खास बात यह है कि कल काशी विद्युत परिषद अखिल भारतीय संत समिति ने भी जो है यहाँ पर ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू होने के बाद दर्शन पूजन किया। और जो सबसे बड़ी खबर है कि अब यहाँ पर जो ज्ञानवापी का तहखाना है उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो अब पूजन के बाद इसको अब ज्ञान तालग्रह का नाम दिया गया है। खुद काशी विद्युत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी है। अखिल भारतीय संत समिति के साथ बैठक हुई, उसके बाद जो काशी विद्युत परिषद है उसने नए नाम के पर मोहर लगा दी है। मतलब आज दुकान क्यों बंद है यार? हम तो जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, हम जुमा जानते हैं। अच्छा, मगर दुकान बंद करने के लिए कोई वो है क्या, कोई शोक किसी तरह की दुकान ऐसा कुछ नहीं? तो आप आते हैं यहाँ पर नमाज अदा करने? तो हर जुमा हम आते हैं। अच्छा, हर जुमा आते हैं। मतलब क्या कहेंगे, कोर्ट पर भी आज सुनवाई है, क्या लगता है कोर्ट से आप लोग की उम्मीदें हैं? हमें कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं, बस एक बात, कोर्ट और सरकार सब एक। आपको ऐसा लगता है? ऐसा लगता है। क्यों लगता है बताओ आपको? अब हम क्या करें, हम इतनी कम उम्र में हैं, हम सब बहुत कुछ देख कब तक बैठे हैं। अब भरोसा किसी के ऊपर नहीं है किसी तरह का। किस तरीके के तजुर्बे रहे आप? अरे हम बहुत छोटे बता तो रहे हैं, हम लड़के हैं, लेकिन अभी तक ये उम्र में हम देख चुके हैं कि ना कोर्ट पर भरोसा किसी को है ना सरकार। ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोस्तों को तकलीफ। अपनी बात रखिए, क्या किस बात की तकलीफ? जब तक जुम्मा नहीं पढ़ लेंगे। नहीं, वो कोई बात नहीं, हम किसी तरीके से। ये नहीं पता लगता। तो हेलो, तो आपने सुना होगा, मैंने बात करने की कोशिश की, उनका अपना दर्द है, उनको कहना है कि ना उनको सरकार पर भरोसा है ना ही कोर्ट पर भरोसा है। तो फैसला आने के बाद जिस तरीके से निराशा है वो आपने सुनी होगी कि ज़बरदस्त निराशा है। और आप ये देखें कि तो ना ही अब उनको सरकार पर भरोसा रह गया है ना कोर्ट पर भरोसा। या क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनू। मनोज जी, ये बताइए कि मुस्लिम आज पूरी बाजार क्यों बंद है, और वो जैसे कह रहे थे कि ना उनको अब सरकार पर भरोसा है ना कोर्ट पर भरोसा है, क्या मतलब, क्या तकलीफ बताइए? तो आप सरकार पर भरोसा चाहिए नहीं है। सही बात है, जो न्याय जो कोर्ट ने जो फैसला किया है वो गलत आया, उसके विरोध बंद है, और कोई बात है नहीं। मतलब क्यों आपको गलत लग रहा है, क्या बात है? मर्जी तो मर्जी रहेगी बस, और लोगों का कहना ये है वो कोर्ट का जो फैसला है वो गलत आया है, इसलिए कोर्ट का भी नहीं, अब क्या है सच क्या नहीं रह गया, कोई मत नहीं, अब कोई नहीं मानता है, मुसलमानों में मुस्लिमों में नहीं मानते हैं कोर्ट का भी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला जो आया था उसके नाम है आपका पूरा है, पूरा नाम क्या है आपका? अब नाम से क्या मतलब है, कोई बात नहीं, बात इंटरव्यू तो बताइए, उनका काम है, उठना है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग नमाज अदा करने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग सही दिखाते नहीं, नहीं, हम तो जो बोल रहे हैं आप वो दिखा रहे हैं, आप लोग कहेंगे बीके हुए, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, बात नहीं करना चाहते हैं जी जी, आप अपनी बात बताइए, जो आप कह रहे हैं हम लोग वही दिखा रहे हैं, वो सही है, उससे ज्यादा नहीं बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बाजार बंद है वो फैसले के विरुद्ध, हाँ कि ये गलत फैसला आया है, बात और कोई बात नहीं, फैसला गलत आया। हमारा नाम अच्छा है, हमारा शमीम नाम है। कोई बात नहीं शमीम भाई, आपकी बात सबको कहने का इस देश में अधिकार है। हम लोग ज्यादा नहीं है, इसलिए उन लोग चाहते हैं कि भाई बोलना बेकार है। बेकार नहीं है, जो है सत्य वही है, कोई कह रहे हैं नहीं रहा है, जो है सत्य है, वाले लोग बात नहीं करना चाहते, कुछ नहीं है, सब बात देखिए ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा उपेंद्र, बातचीत जारी रखिएगा। हालांकि जो ड्रोन है उससे लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि एक बजे तक, दो घंटे के अंदर और
सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज जुमे की नमाज अदा करवाई जाए। हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले न्यूज 18 आपको देगा।